दोस्तों, हे गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो भाई, मुझे पता है चैनल पे 9 दिन से भाई एक भी वीडियो नहीं डाला। क्यों नहीं डाला आप लोगों को पता ही होगा। वैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया था, तो बट मैं फिर भी बोल देता हूँ, क्योंकि जो है मेरा एग्ज़ाम चल रहा था एंड इसीलिए भाई मैं जो है वीडियो नहीं डाल पाया। ओके, एंड फाइनली आज जो है मेरा एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है। एंड एग्ज़ाम ख़त्म होते ही भाई मैं आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ फिर से। एंड आज से भाई मैं डेली वीडियो डालने का कोशिश करूँगा, बट इस गेम के अंदर कोई कंटेंट नहीं मिलता, इसीलिए भाई डेली वीडियो डालना तो भाई मुश्किल ही है। तो 1-2 दिन के गैप में मैं डाल दूंगा ओके वीडियो, बट डेली तो नहीं, बट 1 दिन बाद आएगा वीडियो एंड मज़ा आएगा भाई। एंड 9 दिन 10 दिन भाई वीडियो नहीं डाला तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, बट कोई नहीं भाई, हमारा जो एग्ज़ाम है ये यहाँ पे फाइनली ख़त्म हो चुका है आज। एंड भाई आज दिवाली है, तो भाई सभी को हैप्पी दिवाली, मज़े करो सब लोग, और क्या ही बोले। तो चलो भाई सीधा बढ़ते हमारे वीडियो की तरफ। ओके, तो बहुत दिन से भाई वीडियो नहीं बनाया, तो भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है बोलने में, तो माफ़ कर देना, ठीक है। तो चलो भाई हम बढ़ते भाई सीधा हमारे वीडियो की तरफ। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जाने वाले भाई टाइम आइलैंड के अंदर, एंड टाइम आइलैंड के अंदर जाके हम लोग पकड़ेंगे हमारे पोकेमॉन को। ओके, तो पहले तो देखते हैं भाई टाइम आइलैंड के अंदर जो है कौन कौन से पोकेमॉन आ चुका है। तो फटाफट जाते, मैंने भाई गेम भी नहीं खेला 9 दिनों के, तो पता नहीं भाई क्या आ चुका है। एंड अपडेट भी आया था शायद, मैंने देखा था अपडेट में शायद कोई एक न्यू पोकेमॉन आने वाला है जो टाइम आइलैंड के अंदर, शायद 13 अक्टूबर या फिर नवंबर को आएगा, मैं भूल गया। तो वो जो न्यू पोकेमॉन उसको भी पकड़ेंगे हम लोग। बट चलो, अब तो भाई ये टाइम आइलैंड रिटर्न आ चुका है, तो इसके अंदर देखते कौन कौन से पोकेमॉन आ चुके हैं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोकेमॉन भाई रिटर्न आया है वो है भाई क्लेरिक्स पोकेमॉन। तो ये भाई पहले ही आ चुका था, बट इन लोगों ने फिर से दे दिया, बढ़िया। एंड जो दूसरा पोकेमॉन है वो है भाई रायकू। एंड तीसरा आया है यहाँ पे डिओक्सिस। डिओक्सिस भाई बहुत दिन पहले आया था एंड ये फिर से आ चुका है। एंड एलक्रीमी भी आया है, एंड एलक्रीमी को हम लोग पकड़ेंगे, क्योंकि ये पोकेमॉन शायद जो है मेरे इस वाले आईडी के अंदर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये पकड़ेंगे एंड उसी के साथ जो है हम लोग क्लेरिक्स को भी पकड़ने वाले हैं। ओके, तो चलो यहाँ पे फटाफट जाते भाई टाइम आइलैंड के अंदर एंड देखते भाई हमें कितने जो है यहाँ पे पोकेमॉन मिलने वाले हैं। मुझे पता है भाई एक ही मिलेंगे, क्योंकि भाई मेरा लक जो है उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओके, तो फटाफट जाते भाई एंड मैं इसमें से जो है 2 पोकेमॉन को पकड़ूंगा। एक है भाई एलक्रीमी को एंड दूसरा है भाई अपना क्लेरिक्स पोकेमॉन को। ओके, तो फर्स्ट में हम लोग कौन सा पोकेमॉन पकड़े, तो फर्स्ट में भाई हम लोग पकड़ेंगे एलक्रीमी पोकेमॉन को एंड सेकेंड में पकड़ेंगे भाई हम लोग क्लेरिक्स को। ओके, तो चलो यहाँ पे भाई जाते सीधा हम लोग यहाँ पे आइलैंड के अंदर एंड देखते हमें कितने जो है यहाँ पे एलक्रीमी मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे बाई करना पड़ेगा टिकट, तो यहाँ पे फटाफट हम लोग 2 टिकट बाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाई कर लिया 2 टिकट एंड चलो अब हम लोग जाते भाई टाइम आइलैंड के अंदर एंड देखते भाई हमें कितने जो है यहाँ पे एलक्रीमी पोकेमॉन मिलने वाला। तो चलो भाई 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे मैं भाई आ चुका हूँ आइलैंड के अंदर एंड यहाँ पे हमें भाई एक ही जो है एलक्रीमी देखने को मिला है एंड उसी के साथ यहाँ पे एक सुकून भी है और बहुत सारे पोकेमॉन है एंड एडवांस फ्लैश नेचर का हमें यहाँ पे एक म्यू भी मिला है। तो फर्स्ट में हम लोग भाई पकड़ेंगे हमारे एलक्रीमी पोकेमॉन को, उसके बाद हम लोग भाई देखते हैं किसको पकड़े या फिर डिस्ट्रॉय कर देंगे आइलैंड को। ओके, तो यहाँ पे मैं ऑटो कैच ऑन कर देता हूँ, बढ़िया भाई। मैं तो भूल ही गया था इस आईडी के अंदर मेरा ऑटो कैच ऑन है। ओके, इसीलिए भाई मुझे जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बढ़िया। एंड रुको, पहले हम लोग अल्ट्रा बॉल ट्राई करते हैं। ओके, 11 अल्ट्रा बॉल ट्राई करते हैं, अगर ये आ जाए। ओके भाई, आ चुका है भाई, मैंने देखा ही नहीं भाई इतना ज़्यादा जल्दी आ गया भाई एलक्रीमी, देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया एलक्रीमी यहाँ पर आ चुका है बहुत ही कम पोकेबॉल के अंदर, हमारे पोकेबॉल के अंदर। ओके, तो जो चलो यहाँ पे एंड इसका जो इंडिविजुअल वैल्यू है ये भाई 103, मतलब अच्छा खासा मिला है भाई। और नेचर यहाँ पे लेवल 3 नेचर का है एंड लेवल 3 नेचर मतलब भाई अच्छा खासा है। ओके, एंड यहाँ पे जो है इसने बॉल भाई ज़्यादा नहीं खाया, तो बहुत ही बढ़िया। एंड हमने भाई फाइनली यहाँ पे जो है एलक्रीमी पकड़ लिया है, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एंड यहाँ पे और कोई अच्छा पोकेमॉन मुझे दिख नहीं रहा। ओके, तो सभी भाई बेकार पोकेमॉन है एंड सुकून भी मुझे नहीं पकड़ना, तो फटाफट से भाई जो है अपने आइलैंड को हम लोग कर देते भाई डिस्ट्रॉय। एंड मैंने यहाँ पे कर दिया डिस्ट्रॉय एंड यहाँ पे हमारे मेल बॉक्स के अंदर शायद रिवॉर्ड आ चुका है, मैंने यहाँ पे देखा। ओके, तो चलो यहाँ पे इसको क्लेम कर लेते फटाफट से एंड देखते यहाँ पे। ओके, आईडी भी हमारा आ चुका है और चलो हम लोग फिर से जाते हैं भाई टाइम आइलैंड के अंदर एंड इस बार हम लोग पकड़ने जा रहे हैं भाई क्लेरिक्स को। तो चलो फटाफट जाते हैं आइलैंड के अंदर एंड देखते हमें कितने जो है यहाँ पे क्लेरिक्स मिलने वाला। तो मुझे तो लगता है भाई एक ही मिलेगा हमें, क्योंकि भाई मेरा लक जो है उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप लोगों को पता ही है भाई। तो चलो फटाफट से जाते हैं हम लोग आइलैंड के अंदर। तो 1, 2 एंड 3। तो चलो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ भाई आइलैंड के अंदर एंड यहाँ पे हमें जो है, ओके, यहाँ पे एडवांस फ्लैश नेचर का हमें यहाँ पे मार्श शैडो देखने को मिला है, ये भाई बढ़िया है। एंड यहाँ पे हमें क्लेरिक्स 1 मिला है, बट इसका नेचर भी शायद अच्छा खासा होगा मेरे हिसाब से। तो चलो यहाँ पे इसको पकड़ने का ट्राई करते हैं, ये शायद अगर जल्दी आ जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा।
बट मुझे नहीं लगता भाई ये इतना जल्दी आने वाला है। तो चलो 7 बॉल देखते हैं, ट्राई करते हैं, एंड अगर ये नहीं आए तो भाई मैं जो इसको स्किप करना पड़ेगा, क्या ही करेंगे। ओके तो चलो भाई देखते हैं, और 2 बॉल बचे हुए हैं, एंड यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता भाई ये आने वाला है लास्ट बॉल के अंदर, एंड ये भाई जो है नहीं आया। ओके तो ये देखो भाई नहीं आया, एंड शायद से गाइज मुझे जो है इसको स्किप करना पड़ेगा। तो देखते भाई और 2-3 बॉल ट्राई करते हैं ग्रेट बॉल की, अगर आ जाए तो बढ़िया है, वरना भाई मैं इसको स्किप करने वाला हूँ। ओके तो गाइज मुझे तो नहीं लगता ये भाई आने वाला है इतना जल्दी, तो चलो गाइज मैं इसको कर देता हूँ भाई फटाफट से स्किप। सो गाइज जो अपना ग्लेडेक्स पोकेमॉन है ये जो है हमारे फाइनली जो है मेल बॉक्स के अंदर आ चुका है, क्योंकि मेरा जो बैकपैक है वो भाई फुल हो चुका है, तो इसीलिए ये जो है मेल बॉक्स के अंदर आ चुका है, तो इसको हम लोग क्लेम करेंगे। ओके एंड यहाँ पे जो है एडवांस फ्लैश नेचर का हमें जो है यहाँ पे मार्शेटो देखने को मिला है, बट इसको मैं बाद में पकड़ लूंगा क्योंकि भाई अभी तो भाई बैकपैक फुल है। ओके तो चलो हम लोग पहले तो हमारे इसको क्लेम करते हैं मेल बॉक्स के अंदर से, तो उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे जो है एक पोकेमॉन को रिलीज करना पड़ेगा, तो फटाफट से जाते हैं भाई हम लोग रिलीज के अंदर। ओके एंड यहाँ पे कर लेते भाई रिलीज़ फटाफट, तो चलो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया मैंने पोकेमॉन को, एंड हम लोग अब क्लेम करते हैं भाई हमारे क्लेरिक्स पोकेमॉन को फटाफट से। तो चलो यहाँ पे क्लेम करते हैं, एंड ये देखो ये फाइनली मैंने यहाँ पे क्लेम कर लिया है, एंड अब हम लोग देखेंगे भाई इसका नेचर कितना है, एंड इसका इंडिविजुअल वैल्यू भी देखेंगे कितना ज़्यादा है। ओके तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ SSR, एंड ये रहा क्लेरिक्स पोकेमॉन, इसका नेचर भाई जो है 3 है, एंड इंडिविजुअल वैल्यू जो है 93 है। ओके बढ़िया ठीक ठाक मिला है, एंड एलक्रीमी भाई हमें बहुत ही ज़्यादा OP मिला था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका नेचर भाई जो है लेवल 3 नेचर का है, एंड ऊपर से इसका जो अपना इंडिविजुअल वैल्यू है वो भाई 103 है, तो भाई बहुत ही बढ़िया मिला है अपना एलक्रीमी पोकेमॉन, एंड ये भी क्लेडेक्स भी हमें बहुत ही ज़्यादा OP मिला है। तो चलो भाई ये दो पोकेमॉन को हमें पकड़ना था, एंड हमने भाई फाइनली यहाँ पे पकड़ लिया है, एंड आप लोगों को भी हमने यहाँ पे दिखा दिया है। ओके सो गाइज ये वाला वीडियो बस मैं भाई यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग गए भाई टाइम आइलैंड के अंदर, एंड वहाँ से हम लोग पकड़े भाई एलक्रीमी पोकेमॉन एंड क्लेरिक्स पोकेमॉन को, एंड अभी भी हमारे पास अच्छे खासे रेनबो डायमंड है, बट हम लोग इसको वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो है नेक्स्ट टाइम जो है एक न्यू पोकेमॉन आने वाला है टाइम आइलैंड के अंदर, तो उसको हम लोग पकड़ेंगे, तो वो वाला वीडियो भी भाई आएगा चैनल के अंदर। एंड चलो भाई ये वाला वीडियो बस मैं बस यहीं तक रखता हूँ, एंड भाई मेरे इधर जो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा था पता नहीं वीडियो के अंदर आएगा या फिर नहीं, अगर आएगा तो सॉरी भाई, एंड चलो भाई फिलहाल मैं बस यहीं तक रखता हूँ वीडियो, एंड अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई सब्सक्राइब कर देना, एंड यार वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो मैं मिलता आपको एज यू को इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए बाय।